कि कांग्रेस पार्टी सपा बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया, कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण देना, एमडी के दाखिलों में 27% आरक्षण देना, और योगी जी के शासन में, बीजेपी के राज में, एनडीए के राज में अब तक सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज को नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है। तो जिस ओबीसी और पिछड़ा समाज को साधने और 2024 में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का विजय रथ रोकने में विपक्ष लगा हुआ है, अब उसी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग को बीजेपी भुनाने में लग गई और विपक्ष पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब लखनऊ पहुंचे तो एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक पिछड़ों को सबसे ज्यादा नौकरी देने का कोई काम किया है वो बीजेपी ने किया है। कांग्रेस पार्टी सपा बसपा कई बार सत्ता में रहे, सत्ता में हिस्सेदार भी रहे, मगर कभी भी पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम न किया, कभी भी दलित और आदिवासी भाइयों के आयोग की तरह पिछड़ा समाज का आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने दो दो बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया है, जिससे अब पिछड़ा कल्याण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण देना, एमडी के दाखिलों में 27% आरक्षण देना, और इसके साथ साथ ओबीसी छात्रों की पूरी ट्यूशन फी माफ कर देना, नीट के एग्जाम में ओबीसी समुदाय के बच्चों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, पेट्रोल और गैस की एजेंसियों में भी ओबीसी समाज को 27% रिजर्वेशन देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओबीसी की प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक सहायता के लिए अनुदान राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से ओबीसी बच्चों के अकाउंट में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ ओबीसी के बच्चों के उद्योग बनाना हो, उद्योग की स्थापना करना हो, तो इसके लिए वेंचर कैपिटल की स्थापना करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव राजभर विश्वविद्यालय की स्थापना की, डॉक्टर सोनेलाल जी के नाम से प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया, यूपी विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत 68,000 से अधिक शिल्पियों को 100 करोड़ रुपया से ज्यादा देने का काम किया, और योगी जी के शासन में, बीजेपी के राज में, एनडीए के राज में अब तक सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज को नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 2 जुलाई को अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। कार्यक्रम में बीजेपी के साथ साथ एनडीए गठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।